दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के 500 क्वेश्चंस, जिसकी सीरीज हमने लास्ट वीडियो से शुरू की है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने अभी तक ये 30 प्रश्न हमने देखे थे इसके पहले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इससे आगे वाले प्रश्न हम देखेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियोस देख सकते हैं। तो 31वां प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील यह तिब्बत में स्थित है। अगला 32वां प्रश्न है, विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला 33वां प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी यह गुलबर्गा थी। अगला 34वां प्रश्न है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो रेबीज नामक रोग यह विषाणु द्वारा होता है। अगला 35वां प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः यह कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला 36वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान यह इल्तुमिश की बेटी थी। अगला 37वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण यह नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वां प्रश्न, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो चोल राजाओं की राजधानी यह तंजोर थी। अगला 39वां प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। अगला 40वां प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम यह जय संहिता है। अगला 41वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद यह ऋग्वेद यह है। अगला 42वां प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला 43वां प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम यह रामतनु पांडे था। अगला 44वां प्रश्न है, खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो खजुराहो मंदिर यह लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अगला 45वां प्रश्न है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी थी? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल यह पृथ्वी थी। अगला 46वां प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री यह तोडरमल था। 47वां प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक यह राष्ट्रपति होता है। अगला 48वां प्रश्न है, ध्वनि को किस में नापा जाता है? तो ध्वनि को यह डेसिबल में नापा जाता है। अगला 49वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक यह श्री गुप्त है। 50वां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला 51वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा यह गांधी जी ने दिया था। अगला 52वां प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। अगला 53वां प्रश्न है, चाय अत्यधिक कहाँ उगाई जाती है? तो चाय अत्यधिक कहाँ उगाई जाती है? यह ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। 54वां प्रश्न है, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आप सबको पता ही होगा, यह येन है। अगला 55वां प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह चीन देश है। अगला 56वां प्रश्न है, फलों का उत्पादक क्या कहलाता है? तो फलों का उत्पादक यह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला 57वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा यह सुभाष चंद्र बोस इन्होंने दिया हुआ है। अगला 58वां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो बिहू यह असम राज्य का मुख्य त्यौहार है। अगला 59वां प्रश्न है,
भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भांगड़ा नांगल बांध यह सतलज नदी पर स्थित है। अगला आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 60वां प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार यह 1961 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।